अपने लोगों को मरवा के चाइना को फायदा पहुंचाएंगे, ताकि देश में आपस में ना इत्तेफाकी रहे और चाइना इसका फायदा उठा के एक के बाद एक हमारी हजारों किलोमीटर जमीन छीनता रहे। आप 24 किलोमीटर तक किसी को ऐसे घसीट के एक्सीडेंट, मतलब आप कौन से गंदे नशे में थे कि जो आपको पता नहीं चला कि आपने एक महिला को 24 किलोमीटर तक घसीटा। जिस तरीके की सरकार की जो विचारधारा है या जो आइडियोलॉजी है, ये है इस तरीके की आतंकी। आपने मीडिया का हाल भी तो देखा है ना, कि अगर आपको 100% एश्योरेंस चाहिए कि आपके साथ न्याय हो और उन कातिलों को सजा हो और उन पे 302 लगे और फांसी उन लोगों को मिले, तो हम लोग आपको फ्री लीगल एड देंगे। अगर आप लोगों को ये चीज लगती है कि आरएसएस बहुत महान काम कर रहा है और बहुत ताकतवर संगठन है, भूल जाओ। डरपोक, निहायत ही डरपोक लोग हैं। इन लोगों के अंदर हिम्मत है हमारा सामना करने के, सामने आके जो काम वो खुद करा रहे हैं तो उस पर क्या करेंगे वो किस, देखिए वो एक डिसिप्लिन पार्टी है, बताते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, डिसिप्लिन सोल्जर है ना। डिसिप्लिन सोल्जर कोई बगैर परमिशन के काम नहीं करता। अगर वो डिसिप्लिन सोल्जर हैं तो वो प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी और आरएसएस के इशारे पे वो काम कर रही हैं। और किसी, जैसा मैंने अभी भी कहा, डॉक्टर रितु भी बताएंगे इस बात में, कि ये प्रधानमंत्री, ये मनुवादी, ये आरएसएस वाले कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तानी आतंकवादी आके काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वहाँ चाकू छुरी तेज नहीं करने देंगे। सेना बोल रही है हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, वहाँ इजाजत नहीं देंगे सेना को। अपने लोगों को मरवा के चाइना को फायदा पहुंचाएंगे, ताकि देश में आपस में ना इत्तेफाकी रहे और चाइना इसका फायदा उठा के एक के बाद एक हमारी हजारों किलोमीटर जमीन छीनता रहे। तो उसके लिए एक बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। समता सैनिक दल और डॉक्टर रितु भी हैं, ये बताएंगे आपको कि हम लोग क्या आगे प्लान बना रहे हैं। अभी हम 7 तारीख को सिख समुदाय की एक बहुत बड़ी मुद्दा है, उसके लिए 7 तारीख को पंजाब जा रहे हैं। तो डॉक्टर रितु बताएंगे। डॉक्टर रितु जी, अभी जो दिल्ली में घटना हुई है, आज सावित्री बाई फुले जी की जयंती मनाई जा रही है यहाँ पर, और वहीं एक घटना हुई है दिल्ली में जिसमें पुलिस जो बता रही है एक्सीडेंट हुआ है, जिसको 24 किलोमीटर तक घसीटते हुए कांच भर के लेकर गए हैं, उसकी लीपापोती की जा रही है। ये आज वहीं वहाँ पर एक लड़की का इस तरीके के दर्दनाक जो हादसा हुआ है, और यही जगह यहाँ पर सावित्री बाई फुले मनाया जा रहा है जयंती। कितना मतलब डिफरेंस है ये, मतलब सावित्री बाई फुले एक तरफ खत्म किया जा रहा है महिलाओं को, विकास की बात की जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही है, तो ये तो चीज़ें आप लोगों को सोचनी चाहिए ना, पत्रकार है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल उनसे किया जाए जो संसद में बैठी हैं, जो सिलेंडर के भाव जो बढ़ जाते थे 45 पता नहीं कितने रुपये बढ़ जाते थे, तो वो चिल्लाती थी स्मृति ईरानी जी। इस तरीके की जो नेताएं जो सिर्फ ड्रामा दिखावा करती हैं, उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए। और ये भी तो एक महिला है जो चाकू रखने की बात कर रही हैं, साध्वी प्रज्ञा जी। बिल्कुल सही, प्राचा साहब ने बिल्कुल सही ये बात कही कि कोई भी चीज़ इशारे से बिना नहीं होती, इशारे के साथ होती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये जो जिन्होंने गाड़ी घसीटी है, जो 5-6 लड़के जो भी थे उस गाड़ी में बैठे हो, आप 24 किलोमीटर तक किसी को ऐसे घसीट के एक्सीडेंट, मतलब आप कौन से गंदे नशे में थे कि जो आपको पता नहीं चला कि आपने एक महिला को 24 किलोमीटर तक घसीटा। और ऐसा ही होता है हमेशा, हम महिलाओं को देखो, हम लोगों पे आरोप भी लगते हैं, हम लोगों को बुरा भला भी कहा जाता है, क्योंकि हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते, हम बचाने की बात करते हैं, हम देश को भी बचाने की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। और जो प्रोग्रेशन की बात करेगा, जिस तरीके से हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए लड़ते हैं, हम एकता की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं जो डेवलपमेंट की बात हो, ये उसके खिलाफ है। तो ये जिस तरीके की सरकार की जो विचारधारा है या जो आइडियोलॉजी है, ये है इस तरीके की आतंकी। आपने मीडिया का हाल भी तो देखा है ना, मीडिया क्या करता है, हम टेरर की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, उनसे बड़ा टेररिस्ट कोई है जो 2400 घंटे, मुझे नहीं लगता कि सर आप देखते हैं मीडिया, आप देखते हैं टीवी देखते हैं, हमें नहीं पता, हमने 2016 के बाद से 2016 तब तक तो अक्कल नहीं थी, लेकिन 2016 के हिसाब से मेरे घर बाद से मेरे घर पे टीवी नहीं चलता, क्योंकि वो बारूद निकालते हैं मुंह से, टेरर फैलाते हैं। तो यही चीज़ होती, अब एक्चुअल मुद्दा है ना, अब कहाँ गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
बचाई क्यों नहीं है 24 किलोमीटर? हाँ, 302 नहीं लगाई उसको, मर्डर करने के बाद मर्डर नहीं लगा exactly, रहे। मर्डर नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस एग्जैक्टली ऑफिस बेयरर। तो कौन पूछेगा? ये मीडिया, आप जाओ ना इनका गिराफ करो ना, आपके पास तो फ्रीडम है ना, गिराफ करो, पूछो, क्योंकि हमारे सवालों का तो जवाब नहीं देते, हमें तो टुकड़े टुकड़े कहते हैं। और इस तरीके के वकील जो सवाल उठाते हैं इनके ऑफिस में रेड डालते हैं, उनको लगता है इनकी ये खोखली हरकतों से ये डर जाएंगे। डरा सकते हैं हमें ये? ना ही हमें चुप करवा सकते हैं ना डरा सकते हैं, क्योंकि हम ना जेलों से डरते हैं, कोई डरता है यहाँ जेलों से, जेल में डालने से डरता है? मैं लिटरली कहती हूँ एक जेल भरो अभियान चलाना चाहिए सर, मुझे लगता है जेलें कम पड़ जाएंगी, हम लोगों में इतना दम है। और अब तो समता सैनिक दल संगठन जिन्होंने एक नई रूपरेखा आप लोगों को दी है और कहा है, मुझे ये, मैं ये भी कहना चाहूँगी आपके माध्यम से मीडिया को इस समय एड्रेस करते हुए सर, मुझे लगता है मैं इस चीज़ की गारंटी ले लेती हूँ कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरीके से हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है, जिस तरीके से वैकेंसीज जो हैं इतनी हमारी खाली पड़ी हैं और उस पर मनुवादी लोग अपने लोगों को डाल के आरएसएस वाले बैठे हुए हैं नाक की तरह, उस पर सर वो सारी घर वापसी करवानी है, वो सारी वापस लेकर आनी है। और जो बढ़ते अत्याचार हो रहे हैं, मैं इस बच्चे के माता पिता से भी ये कहूँगी मीडिया के से दरख्वास्त करते हुए, अगर आपको न्याय चाहिए बच्ची के लिए तो ये वकील साहब बैठे हैं। मैं एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ कि अगर आपको 100% एश्योरेंस चाहिए कि आपके साथ न्याय हो और उन कातिलों को सजा हो और उन पे 302 लगे और फांसी उन लोगों को मिले, तो हम लोग आपको फ्री लीगल एड देंगे, यहाँ पे आ जाओ, हम आपका केस लड़ेंगे। महमूद प्राचा सर हैं, मैं एक महिला होने के नाते जिस तरीके से सर ने बताया कि हम एक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं, वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक संगठन नहीं है, वो संविधान को बचाने के लिए। और इस तरीके के जो पुलिस के बेस में, खाकी के बेस में छुपे गुंडे हैं, चाहे वो आरएसएस के गुंडे हैं, चाहे वो पुलिस में बैठे हुए गुंडे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए गुंडे हैं, इन गुंडों को भी जेल में पहुंचाने की काम जो है वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो हम लोग करते हैं वो काम। तो अब मैं उस परिवार, अगर वो परिवार ये YouTube पे वीडियो देखे, सोशल मीडिया पे अगर ये वीडियो वायरल होती है देखे, तो वो तुरंत प्रभाव से हमारे पास आए और हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जी। ये कर सकते हैं, जैसे देश में 50% महिलाओं का अधिकार है, महिलाएं हैं, और आप जो महिलाएं जो डरती हैं ऐसी इसकी ओबीसी की महिलाएं ज़्यादा बाहर नहीं आती, जैसे आप बाहर आए हैं, तो आप उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे देश की महिलाओं को आज ज्योतिबा फूले के जन्मदिवस के मौके पर? मैं तो सबसे पहले यही चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ कही कि इससे बड़ा आज आप पे कोई गोबर फेंक सकता है? आज आप पे कोई जो जिसे कहते हैं पॉटी कह लो या मूत कह लो, कोई फेंक सकता है आप पे? पता है ना एक्स है इस मैला, जो भी कोई चीज़ें फेंक सकता है? नहीं फेंक सकता है, इतनी हिम्मत नहीं है किसी की कोई सामने से मेरे पे फेंक के दिखाए, कोर्ट में ना घसीट दूँ, जेल में ना डाल दूँ अगले दिन, ठीक है? आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ ऐसे वकील हैं, तो ये वकील सबके साथ, मैं वही चीज़, ये कॉन्फिडेंस शिक्षा से आया, पढ़ाई लिखाई से आया। और कुछ हद तक जब मेरे साथ वो अत्याचार हुआ, जब एक मनुवादी विचारधारा की प्रिंसिपल ने मेरे साथ ये घटिया काम किया, तो जब मैं सर के पास पहुंची, सर मुझे जानते थे, मैं सबको जानती थी, लेकिन शायद हमारे बीच में एक गैप था, मुझे SC ST एक्ट होने के नाते भी पता नहीं था कितनी बड़ी ताकत है। जब सर ने मुझे कहा कि ये पढ़ा है आपने, तो मैंने कहा सर कुछ कुछ, सर ने कहा कुछ कुछ से बात नहीं बनेगी, जब आपके पढ़ेंगी तो आप समझेंगी कि आपके अधिकार क्या है। तो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि वो सारी चीज़ें सावित्रीबाई फूले के साथ हुई हैं उस टाइम पे, लेकिन वो तब भी नहीं डरी, तब भी डट के चलती रही, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, और कितनी महिलाओं को जागरूक किया, और उसकी एक मिसाल, एक एग्जाम्पल आपके सामने ये बैठी है जो डरी नहीं। मेरे साथ कोई कम नहीं किया उन्होंने, हर तरीके से जब आप बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो वो किन की है? वो भी इनकी चेली है, वो भी शाखा में सुबह जाके प्रणाम करती है, धरी उठाती होगी, पत्तल धोती होगी, या इनके जूते तलवे चाटती होगी, इससे ज़्यादा एक महिला होने के नाते मैं ये बात कर रही हूँ, बट करती हैं ये सब। ये महिला, इस तरीके की महिलाएँ महिलाओं का ही गला काटती हैं। लेकिन जब मुझे मेरे अधिकारों के बारे में पता चला, सोचे इतनी पढ़े लिखे होने के बाद मुझे जब पता चला, तो मैंने अपनी लड़ाई लड़ी। और सही आपको, जिस तरीके से सर ने, तो और हम क्या मांग सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा चेहरा, एक अम्बेडकर आई, एक अम्बेडकरवादी इंसान, आपको ये कह दिया कि फ्री लीगल एड, आपको किसी भी तरीके का लीगल एडवाइस चाहिए, मदद चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़नी है, हम लोग आपके साथ बैठे हैं। लेकिन वो सिर्फ 20% है। मुंह में जुबान होना, जागरूक होना अधिकारों के लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और बार बार मैं समाज को यही चीज़ कहना चाहूँगी, 80% लड़ाई आपकी ज़मीन से है, सड़क से है। लोहिया जी ने भी कहा था, जब संसद इस तरीके से आवारा हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, तो सड़कें भर दो। आपको लग रहा है आपके अधिकार खत्म हो रहे हैं, छीने जा रहे हैं, तो सड़कों पे आते क्यों नहीं? ताकत आपके पास है, वो लोग डरपोक हैं, खोखले हैं। अभी सर ने कहा चाइना से अपनी ज़मीन लेने की दम रखते हैं वो लोग? नहीं रखते।
नहीं रखते एक नंबर का। और मैं ये चीज़ बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये चीज़ लगती है कि आरएसएस बहुत महान काम कर रहा है और बहुत ताकतवर संगठन है, भूल जाओ, डरपोक, निहायत ही डरपोक लोग हैं। इन लोगों के अंदर हिम्मत है हमारा सामना करने के, सामने आके नहीं है। ये लोग आपको पीछे से काटेंगे, ये लोग सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये लोग पीछे से करते हैं। अगर हिम्मत नहीं है इस चीज़ को समझ लो, डरपोकों डर जब डरपोक के आगे डर के आगे आप खड़े हो जाते हो ना तो डर भागता है। और ऐसे ही आप लोग एकजुट होकर खड़े हो जाओ, ये धुमधुमाते भागेंगे, कहीं दिखेंगे नहीं। और 2024 बहुत पास आ रहा है। मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगी, लेट्स टेक अ प्लेज एंड बी पॉलिटिकली एक्टिव। हम लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा अगर अपने अधिकारों को चाहते हो। जो बहरूपिये बैठे हैं हमारे समाज के, सत्ता पक्ष के नेता लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मनुवादी लोग, और हमारे बहरूपिये जो उनके साथ मिलके वो काम कर रहे हैं और हम लोग चुप बैठे हैं, तो गद्दार वो नहीं, गद्दार हम हैं। अगर हमें अपने अधिकार वापस चाहिए तो उन गद्दारों का जो एक वो अपना मुखौटा पहन रखा है उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और एक साथ आओ, लेट्स यूनाइट हैंड्स, हम एक साथ आते हैं, एक मंच पे आते हैं, बात करते हैं और अपने अधिकारों को भी लेकर आते हैं और 2024 में इन गद्दारों को भगाते हैं। मैं लिटरली कह रही हूँ, ये लोग जिस तरीके से सांप बिल में छुपता है ना, सांप बिल खोदता है और चूहा, ये लोग वैसे आपको छुपते छुपाते दिखेंगे। तब आप झूठे गंदे नैरेटिव में फंसोगे नहीं, शाहरुख खान की पठान मूवी के अंदर ऐसे नैरेटिव में फंसोगे नहीं। तब आपको चाकू तेज करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को जेल भेजने का रास्ता आप दिखा सकते हो अगर आप जागरूक हो जाते हो। ये प्रोपोगंडा की सरकार है। ये आपको असली मुद्दों से, रोजगार के, बेरोजगारी पे बात ना करो, भुखमरी पे आप बात ना करो, शिक्षा पे बात ना करो, अस्पतालों पे आप बात ना करो, ये इसलिए इस तरीके के मुद्दे लेकर आती है ताकि आप युवा जो है इस पर ट्वीट ट्वीट खेलो। हम लोग जो देख रहे हो ना आप, अगर मैं प्रातः साहब की बात करूं, हम लोग ग्रास रूटर हैं, हम लोग पैराशूटर नहीं है कि हवा में उड़ने वाले, हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं। और ज़मीन पे अगर हम काम करेंगे, अभी से समझ जाएंगे एंड ऑफ द स्टोरी, वहीं पे समस्याओं का समाधान है। तो आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे और क्यों? पॉलिटिकली स्टेइंग पॉलिटिकल एक्टिव डजंट मीन दैट यू नीड टू ज्वाइन सम पार्टी। आपको ज़मीन पे काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है सर आपसे मैं इस चीज़ का जवाब चाहूँगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बहुत गलत फहमी है कि आप पार्टी के अंदर जाके ही पार्टी पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स कर सकते। भारत का संविधान, तो भारत की जो व्यवस्था है वो पार्टी पॉलिटिक्स को रिकग्नाइज ही नहीं करती। MP, MLA, कॉरपोरेटर्स की मेजॉरिटी जो होगी उसकी सरकार बनती है। कोई भी सरकार, इससे पहले UPA थी, अब NDA, ये किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। और सरकार में होना पार्टी की बात नहीं होती है, वो जिसकी मेजॉरिटी होती है वो, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अभी हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मनुवादी मानसिकता जो है उसको कैसे रोका जाए। और उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि पहली चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी और RSS से समर्थित या उसके किसी भी वेश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको वोट नहीं देना है SC, OBC और माइनॉरिटी को। उसके बाद जो सबसे कहीं भी अपना अच्छा कैंडिडेट है, भले ही वो इंडिपेंडेंट क्यों ना लड़ रहा हो, उसको वोट दे के जिताना है, ये असली सोल्यूशन है। और उसके बाद जहाँ अपना आदमी कोई नहीं है, अपना का मतलब बहादुर नेतृत्व, गद्दार डरपोक या लालची नेतृत्व नहीं, जहां अपना है उसको जिताया जाए। उसके बाद जो सबसे कम मक्कार शैतान पार्टी है या उस तरह के कैंडिडेट हैं, उसको वोट दिया जाए, यही सलूशन है।